हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल APT अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजारुद्दीन। आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अनबैलेंस्ड न्यूमेरिकल है। अनबैलेंस का मतलब एग्ज़ाम के अंदर अगर स्पेसिफिक हीट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे जनरली स्पेसिफिक हीट को लेकर पूछते नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं स्पेसिफिक हीट को लेकर, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि स्कूल के अंदर टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चंस को कराते नहीं हैं। बट हम रिस्क नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाएंगे कि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए, आपके पास कोई हीटर है, हीटर बना देता हूँ मैं। ठीक है, ठणें। सर ये हीटर क्या है, ये तो आपने पता नहीं क्या बना दिया। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे हीटर होता है। अरे इस हीटर में क्या है, ठणी ठणी, बहुत सारे क्या हैं, कॉइल हैं, बराबर, क्लियर। अब कॉइल कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट, यहाँ से एक प्लग लगाया गया है और इस प्लग से कितना वोल्टेज दिया गया है, 200 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज सप्लाई कितना है, 200 वोल्ट। हैज अ रेजिस्टेंस, इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, इन कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 80 ओम है। तो R इज इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है, 80 ओम। इफ़ द हीटर इज प्लग्ड इन फॉर द टाइम T, कितने टाइम के लिए, टी सेकेंड के लिए प्लग कर दिया गया, तो 1 kg ऑफ वाटर ऑफ 20 degree अटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 60 degree। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को इधर लिख देता हूँ। तो R अपने को कितना दिया है, 80 ओम। अब इसके ऊपर एक पतीला चढ़ा देंगे, पतीला चढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर वाटर होगा, क्लियर। अब ये वाटर जो है हीटर के ऊपर रखा हुआ है, अभी इसका टेम्परेचर कितने डिग्री है, 20 degree Celsius। अब वो टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 degree। तो कितना बढ़ा दिया ओवरऑल, 40 degree Celsius इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। और इसके अंदर जो वाटर है उसका मास कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है, क्लियर। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को, बस क्या करना है, 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन, द पावर ऑफ हीटर, हीटर की पावर बतानी है, बताइए। पावर के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, I² R होता है ना, V² / R होता है, और क्या होता है, और बताइए और क्या होता है फॉर्मूला, VI होता है, क्या होता है, VI। अब देखिए करंट का तो यहाँ मसला ही नहीं है क्योंकि करंट अपने को दी नहीं है, तो अपने को कौन सा वाला लेना है, ये वाला फॉर्मूला लेना है। तो कौन सा लेंगे, P = V² / R, बताइए। V की वैल्यू कितनी है, 200, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे इसको, और ये 80 हो गया रेजिस्टेंस अपना, 0 से 0, 4 2 4 5 और 200। तो पावर हमारे पास हीटर की कितनी आ गई, 500 वाट। हाँ इतनी होती है लगभग, बहुत पावरफुल होते हैं ये, है ना। जैसे ही आप प्लग लगाएंगे तो लाइट ऐसे कम होती है जैसे उसकी जान खींच ली हो आपने। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, समझ में आया, मन में लड्डू फूटा ना, क्या फूटा, कि आप किसी भी डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर कैसे निकालेंगे। वोल्टेज सप्लाई देख लो और रेजिस्टेंस है वो देख लीजिए। तो वोल्टेज सप्लाई के अकॉर्डिंग जितना कंजप्शन होगा, रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा वोल्टेज को, वही उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, V² / R, क्लियर। सेकेंड में अपने को बताना है द हीट एब्जॉर्ब बाई द वाटर। अब देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट, है ना, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एलिबरेट कर देता हूँ कि देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है कैपेसिटी उसकी एब्जॉर्ब करने की। आपको एक मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि पूरे दिन में जब धूप रहती है तो अर्थ जो है हीट को जल्दी जल्दी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जब तक सन क्या नहीं हो जाता, सेट नहीं हो जाता। लेकिन वाटर क्या करता है, लगातार उसको क्या करता रहता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहता है। तो सन बिल्कुल जब एंड में सेट होता है तब भी वो क्या करता रहता है, हीट को क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। तो लॉन्ग टाइम तक एब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर करता है। तो इस वजह से उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि जब भी आप बीच पर या किसी नदी के किनारे जब घूमने जाते हो ना, तो रात में पानी के साइड से, समुद्र के साइड से, सी की साइड से, रिवर की साइड से जो हवा आती है वो गर्म आती है। क्यों गर्म आती है, क्योंकि जब आप अर्थ पर होते हैं
और रिवर के वन साइड होते हैं, तो अर्थ की स्पेसिफिक हीट जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होती है उतनी जल्दी रिलीज हो चुकी होती है, क्योंकि सन तो सेट हो चुका होता है। लेकिन वाटर जितनी देर तक उसको एब्जॉर्ब करता है तो उतनी देर तक वो उसको क्या करता है, रिलीज करता है। तो रात में जब आप किसी वाटर के पास जाते हैं, वाटर कहाँ होना चाहिए, रिवर होना चाहिए या समुद्र वगैरह होना चाहिए, क्लियर, या आपका कोई जो होते हैं ना आपके रिवर वगैरह होते हैं, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वाटर जो है जितनी देर तक एब्जॉर्ब करता है हीट को पूरे दिन में, उतनी देर तक उसको क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो वो रिलीज़ करता है तो हवा के ज़रिए से रात में वो रिलीज़ करने वाली हीट जो है हमारे पास तक पहुँचती है, तो इसी वजह से वो गर्म हवा लगती है। क्लियर, ये मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। यहाँ ज़रूरत नहीं थी बट पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, वाटर के थ्रू अगर आप टोटल हीट एब्जॉर्ब निकालेंगे तो उसके अंदर पहले वाटर की स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक हीट होती है। डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको दी गई होगी एग्जाम में, नहीं दी तो याद कर लीजिए, 4200 होती है, क्लियर। तो हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है mc into delta theta, ये फार्मूला याद कर लीजिए आप, क्लियर। तो यहाँ पर m जो होता है वो मास होता है कि कितने मास को आप एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो मास कितना हो गया 1 kg। c हो गया आपका स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितना हो गया 42 डिग्री जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, अगर आप यहाँ से सी निकालेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, हीट का हो गया जूल, ये हो गया केजी, और पर डिग्री सेल्सियस हो गया ये इसी के साथ में, जूल के साथ में, क्लियर, ठीक है, केजी के साथ में। अब देखिए, अब यहाँ पर जो डेल्टा थीटा है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ θ2 - θ1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए, ये हो गया 4200 बन जा 42, फाइनल टेम्परेचर 60 तक पहुंचाया और इनिशियल कितना था 40 तक, तो ये हो गया 4200 × 40। तो 40 का 0 और इसके 2 0, 4 2 = 8 और 4 4 = 16, इतने जूल एब्जॉर्ब हीट आएगी, जो वाटर क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा इतनी हीट को, ठीक है। 3 0 हटा दीजिए तो 168 किलो जूल आ जाएगा, ये किलो जूल, ये सेकेंड पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर, क्लियर, ये फार्मूला पता होना चाहिए अपने को कि फार्मूला क्या होता है हीट एब्जॉर्ब का। तो याद कर लीजिए, mc delta theta, डेल्टा थीटा इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गया टेम्परेचर इसका, ठीक है। अगला कि द वैल्यू ऑफ टी इन सेकेंड्स, अपने को टी की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू, टी की। तो देखिए, हीट का एक और फार्मूला होता है, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, हीट अपॉन पावर, क्लियर। तो हीट कितने अपने पास, ये हीट आई है कितनी, 168000 जूल में लेंगे, क्लियर, और पावर कितनी है 500। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 3 = 15, 1 carry 18 हो गया, 5 3 = 15 है ना, 3 5 6 = 30 seconds। तो इसने जो आंसर पूछा है वो सेकंड्स में पूछा है कि इन सेकंड्स बताइए, क्लियर, मज़ा आया ना। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें प्यारा सा, क्लियर। बने रहे APT अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट मेरे कमेंट।